बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास जो सैयद मज़हर हुसैन शाह रिजवी साहब, सैयद आबद हुसैन रिजवी साहब और सैयद जाहद हुसैन रिजवी साहब, जो कि ख़ानदान हैं जनाब सैयद अवैस रिजवी साहब के, और मेरे उस्ताद अज़हर हुसैन रिजवी साहब, जो के प्राइमरी के दौर में मैं इनसे पढ़ा हूँ। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि ये कब आए हैं और कितनी बार आए हैं और इनको क्या महसूस हो रहा है। बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाल ता खैरियत है। सबसे पहले जी, खुश आमदीद, आमद का पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और नाज़रीन, इमाम रज़ा अलैह सलाम के रोज़े अकदस पे आया हूँ और यहाँ पर जो कर्म की बारिशें हो रही हैं और जिस कदर वो नवाजते हैं अपने ज़ायरीन को, मैं ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो हमारे साथ सैयद आबद काज़मी साहब भी मौजूद हैं, सैयद शबाद अली शाह साहब बुखारी लखते जिगर हैं, वली इब्ने वली, सैयद बाबा शेर शाह बुखारी साहब के, इनकी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। इनके तवस्सुत से मानावाला के जो ज़ायरीन हैं इस पाक सरजमीन तक पहुँचे हैं। तो सैयद आबद काज़मी साहब रिजवी साहब, आबद रिजवी साहब से जानते हैं। आबद साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इधर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे अबाओ जदाद की इधर ज़ियारते हैं, उन पर हम आए हैं। और आप तो रिजवी साहब कितनी बार आए हैं पहले? आप पहली दफ़ा? ये तो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। यकीनन मानावाला की जो शिया कम्युनिटी है उनमें एक ख़ास ये मुकाम रखते हैं। वहाँ पर हमारे सुनियों के इवेंट हों, वहाँ पर भी इनकी तशरीफ़ आवरी हमेशा रहती है। बहुत अच्छे इंसान के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और खसूसर हमें ज़ियारात पर भी गाइड करते हैं। तो रिजवी साहब, आप दूसरी मरतबा आए? इससे पहले दो साल पहले आया था, उसके बाद ये कोरोना आ गया और फिर ना आ सके, और इस मरतबा अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया है और मेरे पाक जद अमजद ने फिर बुला लिया और हाज़िर हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपकी जद अमजद के रोज़ा पाक की ज़ियारत। रिजवी साहब, आप आओ, हमको कौम कब लेके जा रहे हैं? इंशाल्लाह जनाब, ये हमारा चार दिन का यहाँ क़याम है, उसके बाद इंशाल्लाह पाक बीबी के दर पर हाजिरी होगी इंशाल्लाह। उनके बड़े भाई सैयद जाहद हुसैन रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब, आप भी देख रहे हैं अक्सर, आप मेरी वीडियो चैनल पे देखते हैं, तो आप कितनी बार आए हैं? पहली दफ़ा। आप भी मेरी तरह पहली दफ़ा हैं? तल्लक रहा है माजी में, इसी तरह ज़ियारात भी हमारी इकट्ठी लिखी हुई थी और मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। सलामत रहें रिजवी साहब जी। उत्ते होटल जी